भी थे, अभी कक्षा 10वीं के छात्र होंगे और अभी 2024 का बोर्ड परीक्षा देने वाले होंगे और खास तौर पे आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते होंगे तो आप लोग चित्र संबंधित प्रश्नों को लेकर काफी लोग क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सामाजिक विज्ञान का ये जो मानचित्र कार्य वाला प्रश्न आता है जो 10 नंबर दिलाता है बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई मानचित्र कार्य के लिए कौन कौन सा प्रश्न तैयार करे, कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे सामने क्या होता है मानचित्र आता है बोर्ड परीक्षा सामने मानचित्र आता है जो बिल्कुल क्या रहता है खाली रहता है, उसको भरा कैसे जाता है, उन्हें भरने का तरीका क्या होता है, कि आपको भी क्या है मानचित्र भरने का ट्रिक नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चूंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मानचित्र संबंधित 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न कराया था, वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने क्या किया देखा और वहाँ पे काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं 10 प्रश्न आते हैं और आपने अपने 20 प्रश्न बताए, आप कोई ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आप मात्र 10 प्रश्न बताइए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो बिल्कुल आपके लाखों स्टूडेंट को रिक्वेस्ट मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने के लिए मिलेगा। और आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 10 प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जब बोर्ड परीक्षा आप देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके सामने आएगा, यहाँ लास्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 9, इसमें आपको लिखा रहेगा मानचित्र संबंधित प्रश्न और नंबर में 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा, एक आपको आएगा इतिहास से संबंधित प्रश्न, आपको आएगा भूगोल से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे देखिए सारे प्रश्न आपको दिएगा और यही सब प्रश्न क्या होंगे बोर्ड परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपको लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, नाम सहित आपको दर्शाना है, सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर, यानी आपको बता रहा है कि अगर आप मानचित्र में क्या करेंगे दिखाएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और इसका नाम आप लोग सही से लिखेंगे कॉपी में तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो एक एक प्रश्न का आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं, आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको मानचित्र में भरना है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि कॉपी में कैसे लिखना है, उसके बाद आपको बताएंगे कि मानचित्र में कैसे लिखना है। तो बोर्ड परीक्षा में क्या करना है, अपने कॉपी को ले लेना है, क्या करना आपको बोर्ड की कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है मानचित्र संबंधित प्रश्न। यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है मानचित्र, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर में भी आपको लिखा गया है मानचित्र संबंधित प्रश्न, तो आपको हेडिंग बनाना है मानचित्र, यहाँ पे लिखना है संबंधी, यहाँ पे आपको लिख देना है मानचित्र संबंधी, यहाँ पे आपको लिख देना है प्रश्न, आपको कॉपी में लिखना है तभी जाकर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि कॉपी में आंसर लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा और मानचित्र में दिखाएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले जो पेपर में लिखा रहेगा मानचित्र संबंधित प्रश्न तो आपको उसको लिख लेना है और यहाँ पे नीचे क्या करना है सिंपल यहाँ पे एक सीधा लाइन क्या करना है आपको ऐसे खींच लेना, ये सारी चीज आपको आता होगा। सबको करना क्या है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, आपको लिखना है यहाँ पे 9, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको लिख देना है संख्या। ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नीचे लाइन खींचना है और यहाँ पे आपको लिख देना है 9, सिंपली लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 9 लिख देना है। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ पे 9 का क लिखा हो और यहाँ भूगोल का प्रश्न दिया गया उसको यहाँ पे ख लिखा हुआ है, अगर आपको क लिखेगा तो यहाँ पे 9 का क लिख लेंगे, ठीक है ना, अगर ख लिखेगा तो 9 का आप लोग ख लिख ले रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आधे नंबर का काम कर लेते हैं, यानी कॉपी में हम क्या करते हैं नाम लिख लेते हैं, तो सबसे पहले कॉपी में आपको सभी प्रश्नों का आंसर बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के मानचित्र में आपको कैसे दिखाना है, कैसे नाम लिखा जाता है, ट्रिक क्या होता है, जिसके माध्यम से आपको आधा नंबर और मिलेगा, यानी पूरा का पूरा 10 नंबर आपका पक्का होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हमारा क नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपी में लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 9, हम लोग लिख देंगे क, यहाँ पे हम लोग कौन सा आंसर लिखने जा रहे हैं, 9वां का क लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क लिखेंगे। प्रश्न पूछा गया कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मद्रास हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क और यहाँ पे आंसर हम लोग लिख देंगे मद्रास, यहाँ पे सिंपली आपको लिख दे रहा है मद्रास, क्योंकि हम लोग प्रश्न नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं उत्तर लिख रहा है 9 का क का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको लिख देना है ख, क्योंकि इसके बाद ख का भी आंसर हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ख और यहाँ पे देखिए ख नंबर का जो प्रश्न पूछा गया बहुत ही शानदार पूछा गया कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि भाई जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था हमारा अमृतसर में हुआ था, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है अमृतसर, अच्छे से आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है अमृत और यहाँ पे लिख देना है सर, ये आपको क्या आंसर हो जाएगा ख वाले का। अभी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा कि कैसे आपको दिखाना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये तरीका है जिसके माध्यम से आपका 10 में 10 नंबर पक्का होने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ग नंबर डाल देते हैं, क्योंकि हमें ग का भी आंसर लिखना है और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ग नंबर
नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इस संदर्भ से प्रश्न पूछा गया कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, आपको बताना है कि कहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है कि इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खेड़ा हो जाएगा। आपको याद रखना है खेड़ा पंजाब, खेड़ा जो है ना वो पंजाब राज्य में है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में इसे कैसे आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, खेड़ा हो जाएगा। चलिए प्रकार आपको चार नंबर का प्रश्न दिखा देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ था, इसे क्या करना है आपको भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो सबसे पहले हमें आंसर लिखना पड़ेगा तभी हमको आधा नंबर मिलेगा, और मानचित्र में दिखाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा। तो यहां पे हम लोग डाल देते हैं गौ के बाद से हमारा आ जाएगा घौ, यहां पे हम डाल लेते हैं घौ। अच्छे से आपको लिखना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। तो यहां पे घौ का जो हमारा आंसर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। आपको याद रखना है चंपारण में क्या हुआ था, किसान सत्याग्रह हुआ था, आपको याद रखना। इसका आंसर आपको हो जाएगा पारण हो जाएगा। तो यहां पे सिंपली हम क्या करते हैं चंपारण लिख देते हैं। साफ साफ आपको लिखना है, थोड़ा सा एक लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा। यह अंगा नंबर का प्रश्न है कि वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हमें दिखाना है। तो क्या किया अंगा लिखा और हमसे प्रश्न पूछा गया उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो आप सभी को पता है कि राजधानी हमारा क्या है लखनऊ है। तो यहाँ पे हम लखनऊ क्या करते हैं लिख देते हैं। तो हमारा जो इतिहास से संबंधित पांच प्रश्न पूछे गए थे इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कॉपी में बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करना है लिखना है, लिखेंगे तभी जाकर यहाँ पे आपको आधा नंबर मिलेगा। तो आप इसका आंसर जरूर लिखेगा, आधे नंबर ही मिलेगा, यानी पांच में से क्या होगा ढाई नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर लिखेगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या क्या इन पांच प्रश्नों को लिख लिया। ये पांचों प्रश्न क्या होंगे आपको इतिहास से पूछे जाएंगे, और इसी में प्रश्न नंबर नौ में आपको पांच और प्रश्न देगा जो भूगोल से संबंधित होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं उन प्रश्नों का भी शुरू से आपको बता देते हैं कि कॉपी में कैसे लिखना है, आपको बताएंगे कि मानचित्र में आपको कैसे दिखाना है। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसको लाखों स्टूडेंट ने देखा था और उसमें कमेंट किया था कि सर एक अलग से वीडियो बना दी डिटेल में, इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने बनाया। और ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको कहीं पे दिखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए भूगोल के प्रश्नों का आंसर बताते हैं, देन आपको मानचित्र में बताएंगे कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड परीक्षा में यहाँ पर भी आपको लिखा रहेगा मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे भी क्या करना वही चीज लिखना, आपको लिख देना है मानचित्र संबंधित प्रश्न और यहाँ डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या नौ। अगर आपको क ख दिया है तो आप लोग ख लिख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको क ख ग दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे आंसर लिखेंगे क वाले प्रश्न का। तो यहाँ पे हम डाल देंगे क वाले का उत्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क डाल दिया है और यहाँ पे देखिए जो प्रश्न क नंबर का जो प्रश्न आपसे पूछा गया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चाय उत्पादक किसी एक राज्य को यह दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें आंसर लिखना होगा चाय उत्पादक का राज्य क्या है। तो सब किसी भी राज्य का आप नाम लिख सकते हैं जहां पे चाय का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे क का आंसर हमारा असम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी क्या होता है चाय का उत्पादन होता है। तो हमसे एक राज्य को पूछा गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे असम लिख देंगे। अभी मैं मानचित्र में भी दिखाऊंगा कि असम हमारा कहां पे है। इसके बाद से हम लिख लेते हैं ख नंबर, चूंकि हमारा ख नंबर का भी प्रश्न है और यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर नंबर ख। और यहाँ पे देखिएगा आपको प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा कि राजस्थान की राजधानी को हमें प्लस के चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिख लेते हैं ताकि हमको आधा नंबर मिल जाए। तो राजस्थान की जो राजधानी आपका है जयपुर है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जयपुर, चूंकि राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है जयपुर है। देखना है चूंकि आपको प्रश्नों का आंसर पता होगा तभी आप लोग मानचित्र में दिखा पाइएगा। प्रश्न करा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट और यही सब प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, प्रश्नों को जरूर तैयार करेगा। गौ नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं। गौ नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत की किसी एक नदी को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की जो हमारे नदी है वो हमारा कृष्णा नदी हो जाएगा। कृष्णा जो नदी है वो दक्षिण भारत की नदी है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं गौ और यहाँ पे हम लिख देते हैं कृष्णा नदी, चूंकि इसके अलावा भी बहुत सारा नदी है। तुंगभद्र नदी भी हमारा क्या होता है दक्षिण भारत की नदी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कृष्णा नदी। हम लोग क्या करते हैं सिंपली क्या करते हैं लिख देते हैं हमारा गौ का आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे घौ नंबर, क्योंकि घौ भी हमारा प्रश्न दिया गया है। देख सकते हैं घौ नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूछा गया कि काफी उत्पादक किसी एक राज्य को इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, काफी उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखना। तो यहाँ पे मैंने घौ लिखा है और यहाँ से हमारा कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में क्या होता है कॉफी का उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक और प्रश्न आपको दिया गया अंगो वाला, तो यहाँ पे अंगो डाल देते हैं। वायरल पेपर में अंगा नंबर का प्रश्न दिया गया कि सलाद बांध किस नदी पर बना है, इस चिन्ह द्वारा हमें क्या करना है दिखाना है। भाई इसका जो आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। आपको याद रखना कि जो सलाद बांध है वो किस नदी पे है, चिनाब नदी पे है। तो आपको याद रखना है, इससे आपको कॉपी में आंसर लिख देना है। इसके बाद से आपको क्या करना है मानचित्र में दिखाना है, क्योंकि इस पे भी आपको नंबर मिलता है। अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी में कैसे लिखना है। चलिए हम आपको भारत के मानचित्र में बताते हैं कैसे दिखाना है, कौन सा स्थान कहां पे है, क्या तरह होता है जिसमें आपको पूरा का पूरा नंबर
मिलता है तो दिखा देते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट क्या किए होंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चुकमी विषयों की तैयारी इस चैनल पे कराता हूं मैं, पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करता हूं मैं, क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और सभी विषयों को वायरल मॉडल पेपर और पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इतिहास के प्रश्न, इनको हम लोग क्या करते हैं, मैप में दिखाते हैं। तो पहला प्रश्न था, वो दिया गया था कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस प्रश्न का आंसर हमारा मद्रास हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मानचित्र में दिखाने से पहले आपको कुछ काम करना है। सबसे जो आपको मानचित्र मिलेगा इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रोल नंबर लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर आपको लिख लेना है। याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपको रोल नंबर क्या है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर दे सके। और दूसरा जो आपको काम करना है, यहाँ पे पेपर का कोड लिख लेना है, क्योंकि अलग अलग कोड का पेपर आएगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है पेपर का यहाँ पे कोड लिख लेना है। ये आपको लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा। मैं कोई भी रोल नंबर लिख देता हूँ, 10 अंक का रोल नंबर होगा, तो यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। मतलब मैंने 10 अंक का क्या किया, एक रोल नंबर लिख लिया। कहां से अपना रोल नंबर आपको लिख लेना, ये आपको लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद लिखना पड़ेगा, ताकि जो 10 नंबर दे आपको मिले तो अपना रोल नंबर जरूर लिखेगा। यहाँ पे आपको पेपर का कोड लिखना है, आपको पेपर का कोड लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अलग अलग कोड का पेपर आता है। देखिए इस प्रकार का आपका पेपर आएगा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको पेपर का कोड लिखा रहेगा। पेपर का कोड क्या है, 825FC है। तो यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में जो मानचित्र आपको मिलेगा इसमें आपको लिख देना है 825 यहाँ पे, और कोष्टक में लिखा गया FC, तो यहाँ पे आपको FC लिख देना है, ताकि वही क्या हो, यहाँ पे नंबर मिले। आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मानचित्र में देखते हैं कि भाई मद्रास कहाँ पे है, क्योंकि हमारा जो पहला प्रश्न का आंसर हमारा मद्रास था। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का खाली मैप मिलेगा, कुछ खाली मैप मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको देखना। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मद्रास की अगर बात करें तो जो मद्रास हमारा है यहाँ पे, आपको याद रखना कि यहाँ पे क्या है, मद्रास है। इसमें लिखा गया कि आपको क्या करना है, इस बिंदु के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे एक सिंपली से क्या करना है, आपको बिंदु बनाना है। दो क्या होता, आप चाहे तो यहाँ पे एरो बना के, यहाँ पे तीर बना के आप लोग मद्रास लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है, जगह है, तो आपको क्या करना है, यहीं पर क्या करना, आपको मद्रास लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मद्रास, क्योंकि हमारे पास क्या है, जगह है, तो आपको अंदर ही लिख देना है। आप चाहे तो यहाँ लाइन खींच के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे प्रश्न का नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कौन नंबर प्रश्न का आंसर है, तो आप चाहे तो कौन लिख सकते हैं। ऑलरेडी आपने क्या किया है, कॉपी में क्या किया, इसका आंसर लिखा है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको दूसरा प्रश्न दिखा देते हैं। दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न था, यानी ख वाला, इसका आंसर हमारा अमृतसर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मानचित्र में अमृतसर कहां पे है और इसका आंसर आपको कैसे लिख रहा है। तो यहां पे आपको ऊपर आना है, अमृतसर जो आपका है ऊपर है, यहां पे क्या है आपका अमृतसर है। आपको याद रखना कि अमृतसर कहां पे है, यहां पे है। तो देखिएगा यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है, क्योंकि इतिहास के प्रश्नों में आपको ऐसे बूंदी बनाना है, हमारा अंदर क्या होगा, अमृतसर नहीं लिखा पाएगा। तो इसके लिए तरीका होता है कि सिंपली यहां पे क्या करना, स्केल की मदद से आपको एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है और यहां पे सिंपली बाहर ले जाना है, और यहां पे सिंपली आपको लिख देना अमृतसर, यहाँ पे आपको लिख देना अमृतसर, कुछ नहीं करना है। मानचित्र में आपका जगह है, इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, नई जगह है तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और बाहर ले आके जहाँ पे जगह होता है वहाँ पे सिंपली आप लोग लिख देंगे। तो आई होप आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, अमृतसर आपका ऊपर है। याद रखिएगा एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर क्या था, खेड़ा था। मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको दिखा पाए। तो तीसरा वाला प्रश्न हमारा खेड़ा था। तो खेड़ा जो हमारा है वो गुजरात राज्य में है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं खेड़ा कहां पे, आपका गुजरात है। ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे गुजरात दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, यहाँ पे एक से बूंदी बनाना है और यहाँ पे आपका खेड़ा है। तो मेरे पास अंदर जगह तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा खेड़ा, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है खेड़ा, क्योंकि मैं जेल कलम से लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। लेकिन आपको याद रखना है कि बोर्ड परीक्षा में आपको पेंसिल से भरना है, कलम से नहीं भरना है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं जेल कलम से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में पेंसिल से भरना है। तो यहाँ वाले प्रश्न का भी मैंने आंसर बता दिया। जो घर नंबर का चौथा प्रश्न था, इसका आंसर हमारा चंपारण है, ठीक है ना। तो चलिए आपको चंपारण बताते हैं कहां पे है। तो आप सभी को याद है ना, चंपारण क्या है, बिहार में है। कहते हैं उत्तर प्रदेश के पास क्या है, बिहार। ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं यही क्या है, बिहार है। तो सिंपली क्या करना है, बिहार में ही हमारा चंपारण है। तो ऐसे क्या करना, आपको सिंपली यहां पे पॉइंट बनाना है। अगर आप को बीच में जगह है तो आप यहाँ पे भी चंपारण लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं चंपारण, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा चंपारण। आपको प्रॉब्लम लगता है, आप चाहते कि इसके अंदर ना लिखें, तो सिंपली ऐसे एक सीधा लाइन खींचना है और बाहर ले जाके आपको चंपारण लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहते हैं जो अंगा नंबर का प्रश्न था, इसका आंसर हमारा लखनऊ था। तो आप सभी जानते हैं भाई, जो लखनऊ वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, पूरा पार्ट क्या हमारा उत्तर प्रदेश है। बिहार के पास ही क्या उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश है, चूंकि हमारा लखनऊ क्या है, कैपिटल
कैपिटल है, तो यहाँ पे बीच में क्या करना आपको दिखा देना, यही आपका क्या हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, और अंदर जगह तो आपको लिख देना है लखनऊ। यहाँ पे सिंपली क्या करना आपको लखनऊ लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतिहास से संबंधित जो भी हमारे पास क्या था वायरल प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में आपके सामने वाला है, इन पांचों प्रश्नों का मैंने आंसर आपको बता दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एज को मैंने क्या किया यहाँ पे मानचित्र में मैंने दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं। भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। क्या क्या होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वायरल पेपर का पीडीएफ नोट पाने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलो आज हम दूसरा मैप लेते हैं और उसमें क्या करते हैं भूगोल के प्रश्नों को आपको बता देते हैं कैसे दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा भूगोल का पहला प्रश्न था, इसमें हमको दिया गया कि चाय उत्पादक किसी एक राज्य को हमें क्या करना है वर्ग के चिन्ह के द्वारा दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आंसर था आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर था असम था, तो यहाँ पे हम चलिए आपको असम बता देते हैं कि कहाँ पे है और इसे हमें चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है जो असम हमारा यहाँ पे है, ये हमारा क्या है असम है, करना वर्ग के चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे एक वर्ग आपको बना लेना, जैसा चिन्ह रहेगा वैसा आपको बना लेना है, तो वर्ग के द्वारा दिखाना है बनाया। अगर लीजिए इसके पास हमारा क्या है जगह है, तो यहाँ पे हम असम लिख देंगे, नहीं जगह है तो यहाँ पे सिंपली इस प्रकार का एक तीर बना सकते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, लाइन बना सकते हैं और यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना असम। यहाँ पे क्या करना है आपको असम लिख देना है, लिख देना यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चिन्ह भी बना दिया और यहाँ पे मैंने असम भी लिख दिया। आप चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, मतलब जिधर चाहे उधर लिख सकते हैं। तो जहां पे जगह मिलता है वहीं पे लिखा जाता है, लेकिन चिन्ह को बनाना बहुत ही जरूरी है। और आप देखना बोर्ड परीक्षा में जो भूगोल के प्रश्न होते हैं उसमें चिन्ह आपको जरूर बनाना है। जैसे देख सकते हैं इसका जो ख नंबर का प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि राजस्थान की राजधानी को प्लस चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना है। आंसर भी बताया है कि भाई जो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं भाई जयपुर कहाँ पे है, इसे दो प्लस के चिन्ह को द्वारा दिखाना है। जयपुर हमारे यहाँ पे है, तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बना लेना है और यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह बना लेना, मतलब दो प्लस के चिन्ह को द्वारा दिखाना है। चूंकि बीच में हमारा जगह है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे जयपुर, यहाँ पे हमको लिख देना है जयपुर, ये हो जाएगा राजस्थान की राजधानी, चूंकि राजस्थान में ही जयपुर है, पूरा हमारा राजस्थान है और यहीं पे जयपुर, तो इस चिन्ह के द्वारा आपको दिखा देना है। तीसरा प्रश्न दिखा देते हैं क्या दिया हुआ है, तीसरी किसी एक नदी को इस चिन्ह द्वारा दिखाना यानी गोला बनाना, उसमें आर लिखना है, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी हो, नदी लगभग हमारा यहाँ पे है, तो आपको सिंपली क्या करना है एक गोला बनाना है। ठीक है ना, इसे गोला बनाना है और इसमें आपको आर लिखना है, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कृष्णा नदी, यहाँ पे आपको लिख देना है कृष्णा। ठीक है ना, और यहाँ पे छोटा सा मैं नदी डाल देता हूँ, तो आपको लिख देना है कृष्णा नदी। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप बाहर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से जो हमारे सामने प्रश्न दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं चौथा वाला दिया गया है, काफी उत्पादक किसी एक राज्य को इस चिन्ह द्वारा आपको दिखाना, एक फूल बनाया गया है इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। देख सकते हैं मैंने आंसर भी लिखा हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कर्नाटक है, तो चलिए आपको कर्नाटक बताते हैं कहाँ पे है। तो याद है ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक कुछ आपका यहाँ पे है, तो हमें फूल के द्वारा दिखाना है। दो फूलों को क्या करते हैं बना लेते हैं, तो दो फूल द्वारा दिखाना है, तो हम दो फूलों को बनाएंगे, जितना कहेंगे उतना आपको बनाना है और सिंपली यहाँ पे एक लाइन खींचना है। आप बोल दीजिए कर्नाटक, ये हमारा हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, चूंकि होता है तो आपको बाहर लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पांच नंबर का भी प्रश्न दिया गया अंगा वाला, ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि सलाल बांध किस नदी पे बना है, इसे क्या करना आपको गोला बनाना और उसमें आपको सी लिख के क्या करना आपको दिखाना, तो ये आपका क्या है भाषा में आपको सलाल बांध दिखाना। ये प्रश्न क्या है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना और यहाँ और इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई जो सलाल बांध है कहां पर है और भारत के मानचित्र में उसे कहां पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जो सलाल बांध आपसे मैंने पूछा है कि सलाल बांध कहां पर है भारत के मानचित्र में उसे, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र में आपको कैसे दिखाना है, किस प्रकार से आपको भरना है, कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। जो 10 प्रश्न मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो हमारे 20 प्रश्नों वाला वीडियो को भी देख सकते हैं, तो कई लाख बच्चों ने देखा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके भी वीडियो आ जाएगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।